हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी, मुरमुरे से नमकीन और नमकीन से भेल पूरी। ये बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए बनाते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुँच जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं मुरमुरे से नमकीन और भेलपूरी। आज हम बनाएंगे मुरमुरे को चटपटा नमकीन। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। ये मुरमुरा है, लगभग 1.5 कप है ये। और मूंगफली, करी पत्ता, हल्दी, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और एक काला नमक, चाट मसाला और सादा नमक। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है। गैस जला के फ्राई पैन रख दी हूँ। फ्राई पैन गरम है और इसी में डाल देती हूँ ये मुरमुरे, और इसे थोड़ी देर रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि बाज़ार से आती है या रखा हुआ होता है थोड़ी सील जाती है, तो ऐसे करने से थोड़ा करारे हो जाएंगे। तो इसे रोस्ट कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। मुरमुरे अच्छे से भुन चुके हैं और आप देख सकते हैं कि आवाज़ आ रही है ऐसे करने पे, आवाज़ आ रही है। तो ये इसको अब निकाल लेंगे और इसे निकाल लेते हैं। और इसी फ्राई पैन में डाल लेते हैं तेल 2 चम्मच, और इसी में डाल देती हूँ मूँगफली लगभग आधा कप है, और इसे भी रोस्ट कर लेंगे। और इसी में डाल दूंगी कड़ी पत्ता, इसी के साथ भुन जाएगा ये अच्छे से और जलेगा भी नहीं। मूँगफली अब अच्छे से भुन चुका है और इसी में डाल दूंगी मुरमुरे जो भून के निकाले थे, और इसे भी साथ में मिक्स कर लेंगे। और इसमें और भी मसाले मिलाते हैं। काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, इसे बहुत अच्छा कलर आएगा, सादा नमक, अमचूर पाउडर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए चटपटा नमकीन बनके तैयार है मुरमुरे की, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। गैस को कर देंगे बंद और इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बनके तैयार है मुरमुरे की चटपटी नमकीन। आप इसे किसी भी कंटेनर में भर के रख सकते हैं और महीनों भर तक यूज कर सकते हैं। लेकिन इसको मैं और भी चटपटा बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए एक बाउल लेंगे और इसी में डाल लेते हैं मुरमुरे थोड़ी सी, जितना बनाना है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं और बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल दी हूँ। इसमें मेजर का कोई वो नहीं है, आप जितना कोई कम लग रहा है तो आप डाल सकते हैं। तो इसी में डाल देंगे प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज है, हरी मिर्च है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी में डाल दूंगी बारीक कटी हुई टमाटर,
और सेब, ये भुजिया है, इसकी जगह आप सेब भी डाल सकते हैं, या कोई और सा भी नमकीन या भेलपूरी जो आती है उससे भी, पैकेट में हल्दीराम का, उससे भी आप बना सकते हैं चटपटा भेल। तो एक तरह से चटपटा भेल है, और इसे मैं भुजिया डाल दी हूँ, और इससे बहुत अच्छी टेस्ट आएगी। और यहाँ पे मैं पापड़ी ली हूँ, और इसे क्रश करके डाल दूँगी। और इसी में डाल देंगे हरी धनिया, और ये है चाट मसाला। चाट मसाला के बगैर तो अधूरा है। और इसी में डाल दूंगी नमक, क्योंकि मैंने टमाटर डाला है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा डाल लेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। और इसी में डाल देंगे नींबू, निचोड़ लेते हैं। अब इसे ढक के और इसे सेक कर देंगे। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका, सेक हो चुका, और ये बन के तैयार है। बहुत टेस्टी, चटपटा, मज़ेदार स्नैक्स बन के तैयार है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए, तो लीजिए बनके तैयार है चटपटा भेलपूरी। आप इसे चाय के साथ या ऐसे ही जब भी चटपटा खाने का मन करे तो आप बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।